दीवानी न्यायालय परिसर की सुरक्षा परखने के लिए बुधवार को एसपीसीटी डॉक्टर कौसनुब ने पैदल ही दीवानी कचहरी परिसर पहुंचकर पूरे परिसर का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान एएसपी वासीओ कैंड रोहन प्रमोद बोत्रे, इंस्पेक्टर कैंड रवि राय सहित डॉग स्क्वाड और एलआईयू की टीम भी मौजूद रही। एसपीसीटी ने निरीक्षण के दौरान कैदियों के लॉकअप भी चेक किया और वहां सुरक्षा के मद्देनजर कॉर्न पिकेट बढ़ाने की बात कही। एसपीसीटी ने एसीजेएम कोर्ट पारिवारिक न्यायालय सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया तथा जहां भी कमी नजर आई उसको सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निरीक्षण के पश्चात गोरखपुनी से बात करते हुए एसपीसीटी डॉक्टर कौसदुम ने कहा, चलना शुरू होगा अभियान, फिर आ जाएगी दिक्कत, तो उसको करवा लीजिए ठीक। फिर किसी दिन चला नहीं चलाना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना बोझ हो जाएगा कि बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। लगाते हैं मोटरसाइकिल तो मना कर, अरे तो यहाँ पे कोई ना कोई पुलिस वालों को उसको बता दिया, वो कार्रवाई सब सबको बता देना सामने भी। ये बन गए तीनों बैरियर, देखिए बैरियर बनाना कवर कर जो पानी छूट अगर सब होता इवन जी आप तीन चार बोरे नहीं डलवा दी, बोरे सर पड़ा है सर, भर के डलवा दीजिए, तीन चार बोरे डलवा दी। उधर जब आगे जो है इधर गंदगी सी है, ईंट बिछवा दीजिएगा, ईंट बिछवा, यही मलबा बिछवा के कुटवा दीजिए, कोई हम लोग वो तो नहीं कर रहे हैं, खाली खड़े होने की जगह एक बनी रहे तो करवा दीजिए। ऐसे ही सर मूव कर जाते हैं, अरे पॉइंट ग्राउंड घूम एक तो ये रवि कहाँ हैं प्रोफेसर, एक चार तीन के साथ ये साहब की आवाज तो आज में लगी है, ये रोटी है ना, कॉफी करवा दूंगा आप भी आइए। तो ये क्या हो रखा है, रखता है रोटी, अच्छा है तू सामने ये अभी जो है मेरे द्वारा सीओ एलआईयू साहब, सीओ कैंट साहब, हम सबके द्वारा एक बार घूम कैसे भ्रमण किया गया कचहरी परिसर का, कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, जो जो कमियाँ पाई गई हैं उनके बारे में संबंधित लोगों को जानकारी दी जाएगी, उन कमियों को पूरा किया जाए। कचहरी परिसर की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपकी तलाशी नहीं ली गई है, लॉकअप पे सुरक्षा का जायज़ा लिया गया है, पहले भी लिया गया था मेरे द्वारा अभी से चार दिन पहले, उसमें एक निरीक्षण करके उसकी एक आख्या भेजी गई थी, उसके अनुपालन जो बिंदु थे उनके अनुपालन हुए कि नहीं उसको उसके लिए एक बार चेक किया गया है सभी चीज़ों को। सीसीटीवी लगाए जाएंगे और आपके कचहरी के माध्यम से भी लगाए जा रहे हैं, हमारे माध्यम से भी जहां आवश्यकता होगी वहां कोर्ट से परमिशन लेके अवश्य लगाए जाएंगे। सर कोई अनियमितता मिली है कोई इस तरह का? नहीं, कुछ जहां पे ड्यूटी पॉइंट और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है वो देखा गया है, और जहां पे पहले से ड्यूटी पॉइंट वहां पे लोग व्यवस्थित तौर पे हैं कि नहीं, कुछ व्हीकल हैं जो गेट के सामने लगाए जा रहे हैं जो अनुचित है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर गाड़ियों को पार्क ना किया जाए। बैरिकेडिंग की जहाँ आवश्यकता होगी वहीं किया जाएगा, DFMD और HHMD दोनों लगे हुए हैं, और जहाँ कहीं पे किसी चीज़ की कमी होगी उसे पूरा अवश्य किया जाएगा।